अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम एक नया सॉल्यूशन बनाने लगे हैं। इसमें जो हमारे पास ये बेस है या अल्कलाई है, ये तो सेम ही रखी गई है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी पिछली एग्ज़ाम्पल्स में भी थी, लेकिन हमने कुछ पैरामीटर चेंज किए हैं ताकि एग्ज़ाम्पल्स को अच्छी तरह समझा जा सके। इस दफ़ा हमने 1000 ml सॉल्यूशन रखा है, लेकिन मोलैरिटी पहले के मुकाबले में कम कर दी है, दैट इज़ 0.05 molar। यानी हम चाहें तो 1 molar बना सकते हैं, चाहें तो 0.1 बना सकते हैं, चाहें तो 0.01 भी बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल का सामना हमें इतना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले दो एग्ज़ाम्पल समझ ली हैं। उन एग्ज़ाम्पल्स में जो हमने फार्मूला पुट किया है, वही फार्मूला यहाँ पर पुट कर और वैल्यूज़ को उसमें लगा कर हम जवाब निकाल सकते हैं। दोबारा समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा ज़रा क्विकली कि हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम एक सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बॉटल से जो सॉलिड की मिकदार है वो हम कितनी फाइंड आउट करें कि जिसको अगर हम इस फ्लास्क में डालें, इस फ्लास्क की जो इस वक्त वॉल्यूम है वो 1000 ml है। इसमें हम जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उस सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए जो मैस है वो कितने मकदार में दरकार होगा, इसके लिए वही फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे। ये फार्मूला कुछ इस तरह से है, मैस जो हमें रिक्वायर्ड है ये हम मालूम करेंगे, इसके लिए हमें मोलैरिटी को पुट करना होगा। अब इस दफ़ा मोलैरिटी को हमने चेंज कर दिया है, मोलैरिटी को पहले हम 1 रखते थे लेकिन अब हमने 0.01 रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह जो मोलर मैस है हमारे पास वो वही रहेगा जो हमेशा से होता है, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, देन इट इज़ 40 इक्वल टू 40 एंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यानी मोलैरिटी भी पुट कर सकते हैं, मोलर मैस भी पुट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास इस पर 1000 है। अगर यहाँ पर 150 होता, 200 होता तो वो भी पुट किया जा सकता था। आइए इसको पुट कर हम अपना आंसर निकालते हैं। मोलैरिटी we required is 0.05 multiply by molar mass is 40 and multiply by the required volume is 1000 divided by 1000। तो 1000 से हम 1000 काट देते हैं और बाकी जो मकदार बनती है उसको यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम 0.05 को लिख सकते हैं 5/100 मल्टीप्लाई बाय 40 जो बाकी रह गया, 0 से 0 कैंसिल, इसी तरह से 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। इस तरह जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो 2 होगा। अब हमने 2 ग्राम मेजर करना है, यानी जो हमें सॉलिड दिया गया है इस सॉलिड को यहाँ पर इतना डालना है कि हमें बैलेंस आंसर कर दे कि ये 2 grams है। जो 2 grams मुकम्मल हो जाए तो हमें इस पेट्री डिश से निकाल कर या वॉश ग्लास से डालकर इसको यहाँ पर डालना चाहिए, जो कि यकीनन बहुत थोड़ी सी मकदार होगी। इस मकदार के साथ साथ हमें सॉल्वेंट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अब सॉल्वेंट की मकदार भी हम यहाँ पर डालेंगे जैसे पहले डालते थे, और ये भी आपको बताया जा चुका है कि आपने पहले थोड़ी मकदार डालनी है ताकि जितना नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ पर हल हो जाए, और फिर उसके बाद अप टू द मार्क तक इसको मुकम्मल तौर पर भर देना है। अब जो हमारे पास नया सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास होगा 1000 ml, लेकिन इसकी जो मोलैरिटी होगी वो होगी 0.05 molar। इसी तरह चंद एक एग्ज़ाम्पल्स हम और भी कोट कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है एंड अल्कलाई भी, तो इसको हम चेंज कर एक नया एग्जांपल कोट करते हैं जो कि एक एसिड का होगा।